नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं राग वर्गीकरण के विषय में, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जब एक प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करके अलग अलग वर्ग बनाए जाएं, तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। जैसे एक लाइब्रेरी में हिंदी की किताबें अलग रखी जाती है, गणित की किताबें अलग रखी जाती है और अंग्रेजी की किताबें अलग रखी जाती है, यानी सारी किताबें अलग अलग रखी जाती हैं। प्राचीन काल से आज तक रागों के अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, जिसे राग वर्गीकरण कहते हैं। प्राचीन काल से लेके आज तक, यानी इस बीच में ये तीन काल हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्य काल और तीसरा है आधुनिक काल। तो आइए प्राचीन काल के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में पहला सिद्धांत था राग वर्गीकरण का, जाति वर्गीकरण। भरत काल में जाति गायन का प्रचार था। उस समय 18 जातियां थी। स्वरों की वह विशेष रचना जिसमें 10 लक्षण माने जाते हों, वह रचना जाति कहलाती थी। याद रखना, उसमें 10 लक्षण होने अनिवार्य थे। दूसरा है ग्राम राग वर्गीकरण। ग्राम रागों की उत्पत्ति जातियों से ही। ग्राम रागों के 5 प्रकार होते हैं, जिसकी अपनी अपनी शैली है, जिसको गीति कहते हैं। शैली को गीति कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है 10 विधि वर्गीकरण। पंडित सारंगदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर में गाई जाने वाली रचनाओं को 10 भागों में बांटा गया है। पहला है राग, दूसरा है ग्राम राग, तीसरा है उपराग, चौथा है भाषा, पांचवा है विभाषा, छठा है अंतरभाषा, सातवा है रागांग, आठवां है भाषांग, नवा है उपांग और दसवां है क्रियांग। अब ये आपको याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले 3 जिनके पीछे आपको राग लगाना है, पहले का नाम राग है, दूसरे का नाम ग्राम राग है, तीसरे का नाम है उपराग। 4 से लेके 6 आगे वाले तीनों के अंदर भाषा ये लगाना है। पहले का नाम है भाषा, दूसरे का नाम है विभाषा और तीसरे का नाम है अंतरभाषा। आपके 6 कवर हो चुके हैं। 7 से लेके 10 इनके पीछे आंग लगाना है। आंग, पहला है रागांग, दूसरा है भाषांग, तीसरा है उपांग और चौथा है क्रियांग। चौथा है पॉइंट इसमें शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण। इन तीनों वर्गों में रागों को विभाजित करने की प्रथा चली आ रही है। पहला है शुद्ध राग। शुद्ध राग क्या होते हैं? जिन रागों में शास्त्रों के नियमों का शुद्ध रूप से प्रयोग होता है, उन्हें शुद्ध राग कहते हैं। यह स्वतंत्र राग होते हैं, जैसे भैरव और कल्याण। मतलब आप ये समझिए, जो आपके हार्ट के नाम है वो रागे शुद्ध राग है, जैसे भैरव हो गया, कल्याण हो गया, खमाज हो गया, इनमें छायाएं नहीं लगती, ये ठाट से जनित राग है और ये स्वतंत्र राग होती है। छायालग राग, जिन रागों में किसी दूसरे राग की छाया आती है, उन्हें छायालग राग कहते हैं। संकीर्ण राग, जिन रागों में 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो, उन्हें संकीर्ण राग कहते हैं। आइए अब दूसरा काल पढ़ते हैं, यानी मध्य काल। मेल राग वर्गीकरण। मध्य काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था, परंतु उस समय रागों की संख्या पर संगीतकारों का एक मत नहीं था, जिस कारण यह वर्गीकरण कुछ समय बाद खत्म हो गया। छठा पॉइंट है राग रागिनी वर्गीकरण। मध्य काल में मेल राग वर्गीकरण के साथ साथ राग रागिनी वर्गीकरण भी प्रचार में था। इसमें सभी रागों को 6 पुरुष रागों, उनकी 30 और 36 रागिनियों, उनके 8 पुत्रों और पुत्र वधुओं में बांटा गया था। तीसरा काल आता है आधुनिक काल, रागांग वर्गीकरण। राग रागिनी वर्गीकरण के बाद रागांग वर्गीकरण प्रचलन में आया, परंतु इसमें बहुत सी कमियों के कारण यह ज़्यादा समय नहीं रह पाया, यानी ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट यानी 8वां पॉइंट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में जरूर आता है। ठाट राग वर्गीकरण, इसका श्रेय पंडित भातखंडे जी को जाता है। उन्होंने मध्यकाल के मेल राग वर्गीकरण के आधार पर ठाट राग वर्गीकरण की रचना की। उन्होंने मेल के स्थान पर ठाट शब्द का प्रयोग किया,
ठाट दस होते हैं जो कि आप लोग जानते हैं। बिलावल, खमाज, कल्याण, भैरव, काफी, मारवा, पूर्वी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, ये हो गए आपके दस ठाट। बिलावल ठाट सारे शुद्ध स्वर होते हैं। दूसरा है खमाज ठाट, जिसमें कोमल नी का प्रयोग होता है। तीसरा है कल्याण ठाट, जिसमें मा तीव्र का प्रयोग होता है। चौथा है भैरव, जिसमें रे और धा कोमल होते हैं। पांचवा है काफी, जिसमें गा और नी स्वर कोमल होते हैं। छठा है मारवा ठाट, जिसमें रे कोमल और मा तीव्र स्वर होते हैं। सातवा है पूर्वी, जिसमें रे धा कोमल और मा तीव्र स्वर का प्रयोग होता है। आठवा है आपका आसावरी, इसमें गा धा नी कोमल होता है। आपको याद रखने का ट्रिक बताया था, गदा नहीं यानी आसावरी। नवा है भैरवी, जिसमें सारे कोमल स्वर लगते हैं। रे गा धा नी सारे कोमल स्वर इसमें लगते हैं। तोड़ी आपका दसवा और अंतिम ठाट है, तोड़ी, जिसमें रे गा धा कोमल और माँ तीव्र होता है। कुछ राग किसी भी ठाट में नहीं आते, जैसे मधुवंती, ललित, ये राग किसी भी ठाट में नहीं आते। और आपको अंतिम लाइन लिखनी है, यह वर्गीकरण आज के युग में बहुत लाभकारी है। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। डिटेल थ्योरी आपकी डिस्प्ले पे है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए।